इन्फॉर्मेशन को के बेसिस पे एक ट्रैप लगाया गया था शास्त्री भवन में। तो ट्रैप लगाने के बाद में वहाँ पर तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। उनसे कुछ सरकारी कागज़ जो उनके पास में नहीं होने चाहिए थे वो मिले थे। उनको उनसे बातचीत की गई। बातचीत के बेसिस पे दो अन्य व्यक्ति जो उनकी मदद किया करते थे उनको भी डिटेन किया गया है। उसके अलावा कुछ अन्य व्यक्ति जो रेसिपिएंट थे इन डॉक्यूमेंट्स के, जो एक्यूज़ जो पहले रात को पकड़े गए थे 17 की रात को, जो उन एक्यूज़ की इंटरोगेशन के बेसिस पे जो रेसिपिएंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है और उनसे हमारी बातचीत चल रही है। उनको हम एग्जामिन कर रहे हैं ताकि आगे जो भी मुनासिब कार्रवाई होगी वो की जाए। इसमें जो जो व्यक्ति पहले दिन पकड़े गए हैं वो पहले टेम्परेरी MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ थे शास्त्री भवन में, और ये काफ़ी समय से ये इस प्रकार की एक्टिविटी करते आ रहे थे। तो बाद में फिर ये अब जो है इन्होंने कुछ फर्जी आइडेंटिटी कार्ड बनवाया, फर्जी जो है पार्किंग लेबल एंट्री पास बनाया, और गाड़ी जिससे आए थे उस गाड़ी के ऊपर में भी भारत सरकार लिखा हुआ था। जब तक कोई मामला तफ्तीश में होता है तो उसके बारे में कई जानकारियां इस स्टेज पे मैं आपसे साझा नहीं कर पाऊंगा, पर सफिशिएंट इतना होगा आपको बताना कि जो भी इसमें शामिल हैं उन सब से हम उन सबको हम पकड़ेंगे, और इसके अलावा जो भी व्यक्ति जो इसका बेनिफिशियरी है उसको भी हम पकड़ेंगे। ये जो केस हमने दर्ज किया है, सबसे पहले तो ट्रेसपास है। अनऑथराइजली आप किसी बिल्डिंग में जब घुसते हैं तो ट्रेसपास हो जाती है, फिर आप जब वहाँ से डॉक्यूमेंट उठाते हैं तो उसमें वो चोरी हो जाती है। ऑफिशियल सीक्रेट है, हाँ जी सुन लीजिएगा। उसके बाद में ये जो डॉक्यूमेंट्स अगर आपने जो फर्जी बनाए हैं तो उससे जो है फॉर्जरी उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको हमें स्टडी करना है, इन डॉक्यूमेंट्स को हम स्टडी करेंगे, इनकी नेचर हमें एग्जामिन करनी होगी। अगर ये डॉक्यूमेंट विद इन दी परव्यू ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आएंगे तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की धारा भी इसमें लगाई जाएगी। डॉक्यूमेंट्स को हम पूरे अच्छे से तफसील से एग्जामिन कर रहे हैं और इसको ये भी हम देख रहे हैं कि क्या दे कम विद इन द परव्यू ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। पर ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आएंगे तो हम ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का सेक्शन भी ऐड करेंगे।